आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं गुलावट लोटस वैली। तो अर्पित जी, यहाँ पर ठंड लग रही है? नहीं, यहाँ पर बहुत ठंडी है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। नीलगिरी के पेड़ हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये है ना, इंदौर से 28 से 30 किलोमीटर दूर है। तो चलो चलते हैं और पूरा यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप से यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं। और आपने यहाँ का फुल ब्लॉग देखना है और ज़रूर यहाँ पर आना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ एक बार मैं आई, जैसे ही बाइक से उतरी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा यहाँ पे। और ठंड बहुत तेज है गाइस यहाँ पे। और गाइस, कपल के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है बैठने की, खाने की। और यहाँ पर घोड़े भी है, जिसको आप घोड़े पर बैठ सकते हो। बोट है, बोटिंग कर सकते हो। मतलब फोटो शूट करने के लिए बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है। तो चलते हैं और देखते हैं, ऐसी जगह पर हर कोई आना चाहता है। बिल्कुल, तो चलते हैं गाइस आगे की ओर। यहाँ चल रही है ड्रोन से शूटिंग और अर्पित जी इधर खिलखिल खिलखिल कर रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं आगे की ओर। कमल के जो है यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। यहाँ हो गई है हमारी एंट्री और पार्किंग में हम जाएंगे बाइक खड़ी करने। उसके बाद मैं आइट साइड में देख रही हूँ छोटी छोटी मैगी के स्टॉल लगे हुए हैं, जाम वगैरह। यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं, यहाँ पर ज्यादा दुकानें ही है, 10-12 दुकानें हैं यहाँ पर। अर्पित जी, मुझे सबसे पहले भूख लग रही है। और ये है बांस का पेड़, जो कि कितना विशाल पेड़ है। सो गाइस, लोटस वैली का इस तरह का माहौल है, इस तरीके का माहौल है। और जय, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड लग रही है और भूख लग रही है। सबसे पहले मैं खाना खाने जाऊंगी, कुछ खाऊंगी। मेरे पीछे इधर आप देख सकते हो ये क्या चीज बना रखी है। इधर अर्पित जी और हम खा रहे हैं पापड़, और अभी देखते हैं क्या क्या लेते हैं। अर्पित जी, कैसा लग रहा है पापड़? एक नंबर लग रहा है यहाँ पर। अर्पित जी को एक नंबर लगा पापड़ और ठूसने के हुए। देखो अर्पित कितने देर ठूस रहे हैं। अब मैं लेने गई हूँ दूसरा पापड़। जया ने एक और ले आई पापड़। टेस्टी लगा ना? टेस्टी तो खैर है। तो गाइज, हमने ये झूला झूल लिया है और इसकी टिकट है 20 रुपये, एक बार और बैठ जाते हैं। तो अर्पित जी, कैसा लग रहा है यहाँ बैठने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कई तरीके के झूले हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के गेम्स भी हैं यहाँ पर। और एकदम नेचुरल जगह है यहाँ पर, चारों तरफ पेड़ है और ये सारी चीज़ें भी नेचुरल है। झूले हुए ये सारे रस्सियों से पेड़ पे बंधे हुए हैं। यदि आप इंदौर में हैं और अभी तक नहीं आए हैं तो लोटस वैली एक बार जरूर आकर देखें। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं आप। अधिकतर यहाँ पर कपल्स आते लोग आते हैं और कोई शूटिंग करने भी आता है, फोटो शूट कराने भी आता है, कोई सॉन्ग शूट करने आता है। तो गाइस चलते हैं, अभी सॉन्ग हमारा भी यहाँ का आएगा। अब हम बैठेंगे घोड़े के ऊपर और जया भी बैठेगी घोड़े के ऊपर। Thank you.
दोस्तों फोटो शूट हमारे हो गए हैं और 20 रुपये टिकट लगा है। यहाँ पर किसी के 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे ऐसे है। और दीदी ने फोटो शूट किए हैं, पीछे जो बैठी है। गाइस यहाँ पे फोटो शूट बहुत अच्छे से हुए हमारे और मैं खुश हो गई हूँ आज फोटो शूट करा के, क्योंकि मुझे फोटो का बहुत ज़्यादा शौक है। और अब हम जा रहे हैं जो है साइकिल पर राइडिंग करने, तो चल रहे हैं आगे की ओर। गाइस इधर एक मंदिर भी है, राम मंदिर, और यहाँ पर अर्पित जी चलाएंगे साइकिल जिसका प्राइस है 30 रुपये, और पहली बार मैं भी साइकिल चलाऊंगी। गाइस हमने यहाँ पे लिए इमली और अभी दिखा रहे हैं इमली मसाले के साथ, जो जाम के साथ मसाला आता है ना उसके साथ। गाइस हमने साइकिल चला ली, बहुत ही अच्छा लगा। और अर्पित जी अभी कर रहे हैं घोड़े पे बैठने की जिद, तो मैं तो नहीं बैठने वाली हूँ, देखती हूँ अर्पित जी बैठते हैं या नहीं, नहीं तो चलते हैं अब घर की ओर। बहुत डर लगता है घोड़े से, डर नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पैसे वेस्ट लगते उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा 50 रुपीज़ का चार्ज है और कोई मतलब नहीं है। गाइज यहाँ पर है कमल के फूल जो कि 10 रुपये में 5 से 6 फूल ये दे रहे थे हमको। अब चलते हैं घर की ओर। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं घर और अर्पित जी ने बना ली इधर चाय, अर्पित जी पी रहे चाय। अर्पित जी कैसा लगा लोटस वैली में? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो गाइस लोटस वैली में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम थक चुके हैं, तो अब हम पियेंगे चाय। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू स्टोरी के साथ, टाटा बाय बाय।